है तो वो लोग ने वो और कांजी भाई शूट कर रहे हैं जबरदस्त प्रे तो हम भी गिर जाएंगे। अरे बाहर अरे ऊंची और जबरदस्त रास्ता काट के जी भाई नट्टू भाई फुल एंजॉय ले रहे हैं। वहाँ जाएंगे वहाँ का कैसा लोकेशन है तो आप देख सकते हो काफी टूरिस्ट लोग फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस बाइक राइडर्स और मैं भाती ठाकुर मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स आज की बाइक राइडिंग करने वाले हैं खाड़िया ध्रो और भाई कौन सी पालर दुना और दिनोदर हिल। वहाँ का जो बारिश के टाइम का नजारा है और वो नजारा हम आपको दिखाएंगे वहाँ का खाड़िया ध्रो पालर दुना और दिनोदर वो बेस्ट लोकेशन है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम हमारी बाइक राइडिंग यहाँ पातली हनुमान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम लोग निकले थे घर से 5 बजे, प्लानिंग घर से तो 5 बजे का था ना, वो तो सब लोग हम निकल गए लेकिन सब वीडियो सेट करते करते हमारा यहाँ टाइम हो रहा है अभी 6:05, क्योंकि वीडियो सेट नहीं हो रहा था तो अभी सब सेटिंग वगैरह हो गया तो अभी 6:05 हो रहा है टाइम मॉर्निंग का। अभी अंतलजार गांव में है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और बारिश के मौसम में क्या जो हमारा कच्छ का जो लोकेशन है खाड़िया ध्रो हम लोग तो बाइक राइड कर चुके हैं पहले भी लेकिन बारिश के टाइम में और भी वहाँ का सौंदर्य जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए वापिस सभी दोस्त ने आदिपुर अंजार पे बाईपास निकलता है और हमारे नट्टू भाई और कांजी भाई कैनाल से नया रास्ता बना है सीधा कैनाल से बाईपास निकलता है तो वो लोग ने वो रास्ता चॉइस किया, हमने डैम वाला रास्ता लिया है अभी। तो अभी बस हम बाईपास पे आदिपुर अंजार बाईपास पे पहुंचने वाले ही है। अभी हम आदिपुर अंजार बाईपास पे आ गए और बस फाटक पे पहुंचने वाले हैं, फाटक किया जाएगा फाटक लेकिन हमारे कांजी भाई और नट्टू भाई दिख नहीं रहे, शायद पता नहीं अच्छे रास्ते पे आए हैं आगे हो गए देखते आगे ही हो गए।
था, सुबह 5 बजे निकले थे इसलिए लगा था धूप। तो नाश्ता करके फिर पहले जाएंगे हम खाड़िया को, उसके बाद क्या देखते हैं कहाँ जाना है, पहले जाएंगे खाड़िया। नाश्ते में हमारे फाफड़ा जलेबी है और हमारी ये कच्छ की फेमस आइटम है फाफड़ा जलेबी। ये हमारे नटू भाई नाश्ता करते हुए, संजय भाई और हमारे कांजी भाई, और हमारे मानुकुआ में पटेल आइस कैंडी भी फेमस है। कभी मानुकुआ हो तो पटेल आइस कैंडी की मुलाकात जरूर लीजिए। मानगोवा में नाश्ता करने के बाद वहाँ पे SBI बैंक के सामने है टर्निंग है, राइट लेना है वहाँ से। वहाँ से सीधा सीधा आता है कच्चा रास्ता जैसा है, मजा आ गया मगर रास्ते में। रास्ता बहुत कच्चा है, परेशान हो गए यहाँ आते, खड्डा बहुत आता है। खड्डा तो बहुत है, ऐसे तो रास्ता है डामर वाला ही है मगर खड्डा बहुत आता है उसमें। टू व्हीलर ही खाली चल सकता है, फोर व्हीलर के लिए बहुत दिक्कत है। थार होनी चाहिए फोर व्हीलर में, थार होगी तभी आएगा। और अभी बारिश की वजह से हमने GoPro सेट नहीं किया था, तो अभी लगाएंगे हमारा GoPro हेलमेट में लगाएंगे। भाई कंपनी वारंटी देती है कि पानी के अंदर चलेगा, लेकिन अभी हम रिस्क ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो अभी बारिश नहीं है, बंद हुआ है थोड़ा सा, तो अभी GoPro सेट करेंगे क्योंकि व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ का। 50,000 का मामला भाई। तो दोस्तों अभी राइड का असली मजा अभी आने वाला है, और जो मजा है ना इसी में ही मजा है राइडिंग करने के बाद। तो अभी बारिश बंद हो गया तो GoPro भी सेट कर दिया है, असली मजा है यही राइडिंग का। हाईवे तो कर सकते हैं राइडिंग, पर ये मजा कुछ अलग ही है। हमारे नटू भाई और कांजी भाई भी थोड़े से ही आगे हैं, करीबन लास्ट टाइम भी आए थे एक बार। मेरी वीडियो है यूट्यूब पे खाड़िया द्रो की, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। करीबन एक साल के ऊपर भी हो सकता है शायद, इतना टाइम तो हो गया। अभी ये दूसरी बार है हमारी खाड़िया द्रो में ट्रिप। वाह वाह वाह, क्या बात है, नटू भाई तो फटाक से निकाल लेते हैं। अरे आपका जैकेट, ओ भाई साहब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, के खाली वीडियो में मत ध्यान दीजिए। हमारे कांजी भाई ध्यान नहीं देते, खाली वीडियो बनाने में ध्यान दे रहे हैं। वीडियो भी बनानी जरूरी है पर अपना भी ध्यान दीजिए। हमारी स्प्लेंडर तो कहीं भी जा सकती है। अरे आराम से, अभी कुछ नहीं होगा, आगे ही चलते रहो। आज चाहे तेज बारिश क्यों ना हो जाए पर जाएंगे। चलो चलो आगे चलो भाई, देखो हमारे नटू भाई और कांजी भाई शूट कर रहे हैं। अरे वाह क्या नज़ारा है, वाह मज़ा आ गया सही में। अभी थोड़ा और भी 1-2 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, अभी 1-8 किलोमीटर का। चलिए चलिए, अरे अरे वट्टू भाई आराम से भाई, अरे ये हमारे नटू भाई और कांजी भाई पहली बार आए हैं, तो उनको तो और भी जम के मजा आएगा। मजा तो हमको भी आ रही है बहुत, उनको तो और मजा आ रही होगी। नटू भाई वहाँ चढ़ाइए चढ़ाइए, अरे चढ़ाइए नटू भाई चढ़ाइए चढ़ाइए, नहीं तो हम भी गिर जाएंगे। अरे बाहर, अरे ऊंची हो रही है बाइक, अरे नहीं नहीं उधर से नहीं, इधर से ले लेंगे हम। हमारी बाइक तो ऊंची हो रही है आगे से, अरे उधर से भी है पर अभी आ गए इधर तो उधर किधर जाएंगे। देखिए आप पत्थर पे देख सकते हैं वाइट अक्षरों से लिखा है कड़िया द्रो, स्लिप हो रहा है। अरे इससे अच्छा इधर से चलते ठीक रहता, अभी शायद ज़्यादा दूरी नहीं है।
ये रास्ता कच्चा है लेकिन ड्राइविंग का मज़ा बहुत ही मस्त है। हमारा टेंडर प्लस पूरा ताकत लगा के ये रास्ता काट रहा है। पहुँचने वाले है, अभी पहुँचेगी हमारे कच्छ के फेमस कारिया दोरो। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। बाइक राइडिंग करके हम पहुँचे हैं कारिया दोरो पे। यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। कुदरत का करिश्मा आप इसको बोल सकते हो। ये देखो बादल, पहाड़, पानी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। वाह क्या व्यू है।